बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एज वेल एज देयर शेप्स। इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस पे बात की थी, और कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप लोग जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इज अ पार्ट ऑफ योर न्यू सिलेबस। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक फर्स्ट। किसी भी मैच्योर या कंप्लीट इंफेक्शियस वायरस को हम नाम देते हैं वेरियन। अ कंप्लीट मैच्योर एंड इंफेक्शियस वायरल पार्टिकल इज नाउन एज अ वेरियन। और किसी भी वायरस में स्ट्रक्चरली अगर उसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वायरल कंपोजिशन में। वन ऑफ देम इज न्यूक्लिक एसिड, दैट मे बी डीएनए और आरएनए। ये जो आपके सामने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस केस में ये डीएनए होता है। और इसके अलावा दूसरा पोर्शन होता है प्रोटीन कोट और कैप्सिड, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें जो कॉलर शेथ्स या टेल फाइबर्स, बेस प्लेट, ये पोर्शन दिखाए गए हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। वीरियंस में जैसे कि यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे सेंट्रल कोर डीएनए का होगा या फिर आरएनए भी उसमें मौजूद हो सकता है डीएनए की बजाय। और इसके अलावा इट्स आल्सो नोन एज अ जीनोम एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, दैट प्रोटीन कोट इज कैप्सिड। और कैप्सिड की वजह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैप्सिड गिव्स द डेफिनेट शेप टू द वीरियन। वीरियन की जो प्रॉपर शेप है दैट अपीयर्स ड्यू टू द कैप्सिड। किसी भी बैक्टीरियोफेज के हवाले से अगर देखा जाए तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस में जो उनकी टेल है, टेल शोज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द हेड पोर्शन। और इन फेजेस के केस में हेड और टेल के जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉलर, इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन शेथ और कवर। इसमें सेंट्रल एक प्रोटीन भी मौजूद होती है, दैट इज कोर प्रोटीन, इट इज नोन एज कोर ऑफ द वायरस। ये कोर प्रोटीन है। और याद रखिएगा, जो शेथ है ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, और कॉन्ट्रेक्शन के बाद कोर के थ्रू डीएनए इंजेक्शन में हेल्प करेगी। टेल फाइबर्स ये लैंडिंग में हेल्प करेंगे, बेस प्लेट ये अटैचमेंट के दौरान यूज हो रही होती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में जो कैप्सिड की हम बात कर रहे थे, दैट कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के वो स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, दे आर नोन एज कैप्सोमियर्स। कैप्सिड इज हैविंग स्मॉलर प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स। और कैप्सोमियर्स का नंबर वायरसेस के अंदर स्पेसिफिक होता है। लाइक यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स गिवन है हमारे पास, 162 कैप्सोमियर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हर्पीस वायरस, जबकि 252 कैप्सोमियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं इन केस ऑफ एडीनो वायरसेस। एडीनो वायरसेस में 252 कैप्सोमियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं। सो ये आपके पास जो फर्स्ट वायरस अपीयर हुआ, दैट इज अ डायग्राम ऑफ हर्पीस वायरस, और ये है जी एडीनो वायरसेस। इसके अलावा वायरसेस में समटाइम न्यूक्लियो कैप्सिड, इसके बाहर एक अलहदा से, एक अलग से एक दूसरा स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, दैट इज नाउन एज एन इनवेलप। अक्सर वायरसेस जिनमें ये इनवेलप होगा उन्हें बोलेंगे इनवेलप्ड वायरसेस, और जिन वायरसेस में ये इनवेलप मौजूद नहीं होगा उन्हें कहा जाएगा नॉन इनवेलप और नेकेड वीरियंस, नेकेड वायरसेस। टेडपूल फेज या जो T4 फेज अभी आप देख रहे थे वो नेकेड वीरियन है, जबकि जो डायग्राम आपके सामने अभी अपीयर हो रही है दैट्स अ शेप ऑफ HIV वायरस। इसका स्ट्रक्चर अलग से हम डिस्कस करेंगे। इट इज नाउन एज HIV वायरस और इज नाउन एज इनवेलप्ड वायरस, कि इसमें प्रोटीन का कैप्सिड तो है, देयर इज अ प्रोटीन कैप्सिड, बट इसके बाहर एक इनवेलप भी मौजूद है लिपोप्रोटीन का बना हुआ, दैट इज डिराइव फ्रॉम होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम नेक्स्ट HIV के टॉपिक में डिटेल से बात कर रहे होंगे। जबकि जो सेकेंड वायरस है, एक टेडपूल वायरस T4 फेज, इकोलाई की इन्फेक्शियस फेज, इस फेज के बाहर कोई इन्वेलप नहीं है, बस इसमें कैप्सिड मौजूद है। सो दे आर नाउन एज नेकेड वीरियंस। और ये वायरसेस जिनमें इन्वेलप है इन्हें कहा जाता है इन्वेलप्ड वायरसेस और इन्वेलप्ड वीरियंस।
ओवरऑल जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, बैक्टीरिया ईटर वायरसेस, दे आर हैविंग बेसिक टू फॉर्म्स, क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री. इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजेस दे आर रेगुलर सॉलिड और आइकोसाहेड्रल. आइकोसाहेड्रल का मतलब है जिसके 20 साइड्स, 20 फेसेट्स, स्मॉलर 20 फेसेस मौजूद हों, 10 ऑन वन साइड, 10 ऑन अदर. तो ये एक्चुअली हेक्सागोनल नजर आने वाली शेप दरअसल आइकोसाहेड्रल है. और सम फेजेस हम अगली ये भी पिक्चर में देख भी लेते हैं, दे आर हेलिकल और रॉड शेप समटाइम. मेनी फेजेस दे हैव हेड पोर्शन एज वेल एज अ टेल पोर्शन, उनमें हेड भी है और टेल पोर्शन भी मौजूद होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब में ऐसे टेल फाइबर्स या उनकी स्पाइक्स या बेस प्लेट्स इसी तरह से मौजूद हों. ये आपके सामने डिफरेंट फेजेस प्लस वायरसेस की पिक्चर्स नजर आ रही हैं आपकी टेक्स्ट बुक से. फर्स्ट ये है वैक्सीनिया वायरस, ये लोकल स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है. पैरामिक्सो वायरसेस कॉजेज मम्स. हर्पिस वायरसेस ये वेस्कुलर लेजन्स में पढ़ेंगे इसको हम. ऑफ वायरस ये माउथ इन्फेक्शन कॉज करता है, स्पेशली शीप में. ये रेबडो वायरस है, ये बहुत सी डिजीज में इसके आगे टाइप्स हैं, लेकिन ये रेबीज कॉज करते हैं बेसिकली. जिनके साथ भी फेज आ रहा है, कोलियोफेज, फिक्शियस टेल फेज, या ये जो आपके पास बैक्टीरियोफेज जनरली आप पढ़ते हैं, ये सारे बैक्टीरिया ईटर होते हैं. और एच यहाँ पे लेटर मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे. आई इन्फ्लुएंजा वायरस, इट कॉजेज फ्लू. पोलियोमा वायरसेस दे कॉज मेनी डिजीज इंक्लूडिंग न्यूरोपैथी. और पिकोन वायरस ये इंसेफेलाइटिस और कॉमन कोल्ड वो कॉज करेंगे. और ट्यूबुलो वायरस ये टोबैको मोज़ेक वायरस, ट्यूबुलर शेप में पाया जाता है और वो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है. यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज ऑल दीज नेम्स एज वेल एज देयर डिजीजेस. ये हम इस पर से जो सिलेक्टिव है वो नेक्स्ट पढ़ लेंगे. दैट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. और ये दोबारा से उसी स्ट्रक्चर पे एक अलग से डायग्राम के साथ इसको शो किया गया है कि वायरसेस में दरअसल जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से मौजूद होते हैं. इन नेक्स्ट शॉर्ट क्लिप वील बी डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरियोफेजेस, देयर डिस्कवरी एंड अबाउट प्रायोन्स एज वेल. थैंक यू सो मच.